हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं हूँ पूजा और आज मैं आप सब से अपना मॉर्निंग टाइम स्किन केयर रूटीन शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही सिंपल होता है। तो आई थॉट चलो, जबकि मैं अभी नहा के आई हूँ, तो लेट्स डू इट विथ यू गाइस। सो चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या करती हूँ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट आई विल बी अप्लाइंग हियर इज दिस बायोटेक बायो क्यूक्यूम्बर पोर टाइटनिंग दिस थिंग टोनर, विच आई हैव ऑल्सो शोन इन माई प्रीवियस वीडियो। जब अगर आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं करंटली ये यूज़ कर रही हूँ पोर टाइटनिंग के लिए एंड ऑल्सो टू हाइड्रेट माई स्किन। हालाँकि मुझे ज़्यादा पोर्स वगैरह तो है नहीं, बट इट इज़ रियली गुड। जब आप लगाते हो तो बहुत रिफ्रेशिंग फील होता है, इसीलिए मैं ये करंटली यूज़ कर रही हूँ। सो मैं इसे हाथों में लूँगी। आप चाहे तो कॉटन में भी लेके इसे यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज क्लीन हैंड्स में ऐसे लेके थोड़ा सा यू नो बहुत ही अच्छे से अपने फेस में रब कर सकते हैं जेंटली एंड ऑल्सो द नेक। बहुत ही कूल फील होता है इसे लगाने के बाद। तो थोड़ी देर के लिए इसे ड्राई होने देंगे हम लोग और उसके बाद सेकेंडली आई विल बी यूजिंग मॉइस्चराइज़र, विच इज़ दिस लैक्मे पीच मिल्क मॉइस्चराइज़र। करंटली मैं यही यूज़ कर रही हूँ और मैं पहले से भी यही यूज़ कर रही हूँ। आई डिडंट चेंज माई मॉइस्चराइज़र। सो मैं थोड़ा सा अपने हाथों में लूँगी, जस्ट अ लिटिल बिट। ज़्यादा क्वान्टिटी आ गया गाइस हाथ में, तो मैं इसे वापस एडजस्ट कर दूँगी इसमें, बिकॉज आई नीड लिटिल। तो उसके बाद मैं इसे ऑल ओवर द फेस एंड नेक अप्लाई कर लूँगी। और उसके बाद द थर्ड थिंग दैट आई विल बी यूजिंग हियर इज दिस सनस्क्रीन। मैं लोटस का सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ करंटली। वैसे मैं लैक्मे भी यूज़ करती हूँ या तो फिर मैं लोटस भी यूज़ करती हूँ। तो बस हल्का सा मैं अपने हाथ में लूँगी और इसे ऑल ओवर द फेस एंड नेक अप्लाई कर लूँगी। तो सनस्क्रीन को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद मैं अप्लाई करूँगी अपना क्रीम, विच इज़ दिस फेयर एंड लवली दैट आई बीन यूजिंग फॉर ईयर्स नाउ। बट मैं करंटली अब चेंज करने का सोच रही हूँ, तो आई एम थिंकिंग व्हाट विल बी गुड फॉर माय फेस। लेट्स सी, थोड़े दिन बाद मैं अपना क्रीम भी चेंज करूँगी। तो हल्का सा मैंने अपने हाथों में ले लिया है, उसके बाद मैं ऑल ओवर द फेस एंड नेक इसे भी अप्लाई कर लूँगी। ये बहुत ही ब्राइटन अप कर देता है फेस को, लेकिन इंस्टेंटली इट इज़ वेरी ड्राई एक्चुअली। तो अगर आपका ऑयली स्किन है देन इट इज़ गुड फॉर यू, बट अगर आपका स्किन ड्राई है देन आई सजेस्ट यू डोंट गो फॉर दिस क्रीम, बिकॉज ये आपकी स्किन को और भी ज़्यादा ड्राई कर देगा। तो यू नो इट्स बेटर टू गो फॉर सम अदर क्रीम देन। उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी ये बेबी लिप्स का लिप ग्लोस, विच आई बीन यूजिंग फॉर ईयर्स नाउ। तो हल्का सा मैं इसे अप्लाई कर लूँगी अपने लिप में, नॉट मच। ये मेरे लिप को हाइड्रेटेड रखेगा फॉर लॉन्गर टाइम। तो हल्का सा क्वांटिटी अप्लाई कर लिया, उसके ऊपर मैं अप्लाई करूँगी ये शुगर का मिनी लिपस्टिक। तो दिस इज़ इन द शेड ऑफ प्रीच पीच 44, इट इज़ प्रीच पीच 44। तो करंटली मतलब लिपस्टिक्स तो मैं हमेशा चेंज करते रहती हूँ, तो आज मैं ये यूज़ करने वाली हूँ। तो लाइट शेड अप्लाई कर लूँगी मैं। तो सनस्क्रीन को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद मैं अप्लाई करूँगी अपना क्रीम, विच इज़ दिस फेयर एंड लवली दैट आई बीन यूजिंग फॉर ईयर्स नाउ। बट मैं करंटली अब चेंज करने का सोच रही हूँ, तो आई एम थिंकिंग व्हाट विल बी गुड फॉर माय फेस। लेट्स सी, थोड़े दिन बाद मैं अपना क्रीम भी चेंज करूँगी। तो हल्का सा मैंने अपने हाथों में ले लिया है, उसके बाद मैं ऑल ओवर द फेस एंड नेक इसे भी अप्लाई कर लूँगी। ये बहुत ही ब्राइटन अप कर देता है फेस को, लेकिन इंस्टेंटली इट इज़ वेरी ड्राई एक्चुअली। तो अगर आपका ऑयली स्किन है देन इट इज़ गुड फॉर यू, बट अगर आपका स्किन ड्राई है देन आई सजेस्ट यू डोंट गो फॉर दिस क्रीम, बिकॉज ये आपकी स्किन को और भी ज़्यादा ड्राई कर देगा। तो यू नो इट्स बेटर टू गो फॉर सम अदर क्रीम देन। उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी ये बेबी लिप्स का लिप ग्लोस, विच आई बीन यूजिंग फॉर ईयर्स नाउ।
तो हल्का सा मैं इसे अप्लाई कर लूँगी अपने लिप में, नॉट मच। ये मेरे लिप को हाइड्रेटेड रखेगा फॉर लॉन्गर टाइम। तो हल्का सा क्वांटिटी अप्लाई कर लिया, उसके ऊपर मैं अप्लाई करूँगी ये शुगर का मिनी लिपस्टिक। तो दिस इज़ इन द शेड ऑफ प्रीच पीच 44, इट इज़ पीच पीच 44। तो करंटली मतलब लिपस्टिक्स तो मैं हमेशा चेंज करते रहती हूँ, तो आज मैं ये यूज़ करने वाली हूँ। तो लाइट शेड अप्लाई करूँगी मैं। लिपस्टिक अप्लाई कर लिया है मैंने, और उसके बाद मैं लगाऊंगी सिंदूर। एक्चुअली मेरे बाल अभी गीले हैं बिकॉज मैं जस्ट नहा के आई थी, तो आई थॉट लेट मी डू दिस वीडियो एंड उसके बाद आई डू समथिंग। तो मैं गीले बालों में नॉर्मली लिवॉन लगाती हूँ सीरम, ये एवरीडे नहीं लगाती क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग हेयर वॉश एवरीडे नहीं करते। तो मैं हल्का सा लिवॉन सीरम को अपने हाथों में लेके बस ऐसे ही नीचे पहले अप्लाई कर लूँगी, एंड उसके बाद जो भी रिमेनिंग है उसे मैं यहाँ लगा लूँगी। जबकि मेरे बाल अभी गीले हैं तो मैं नॉर्मली गीले बालों में कंघी नहीं करती जब तक ये सूख नहीं जाता, तो मैं वेट करती हूँ, या तो मैं अगर कभी बहुत जल्दी में होती है तो ब्लो ड्राई करती हूँ, इफ़ नॉट मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ एक क्लिप लगा के इसे। तो आई जस्ट पिन अप और मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी इसे, और उसके बाद मैं लगाऊँगी सिंदूर। सो या दैट्स ऑल अबाउट माई मॉर्निंग टाइम स्किन केयर रूटीन गाइस। सो आप देख पा रहे हो बस कुछ ही स्टेप्स में फेस अच्छा खासा ग्लो करने लगता है। यू डोंट हैव टू यूज़ इट, मतलब यू डोंट नीड मैनी प्रोडक्ट्स एवरी डे लाइक फाउंडेशन एंड ऑल। बहुत ही कम प्रोडक्ट्स चाहिए आपको, जैसे कि अगर आप ऑन डेली बेसिस, यू डोंट नीड मैनी प्रोडक्ट गाइस। ये बस कुछ ही स्टेप्स में यू कैन बी रेडी। सो दिस इज़ वॉट आई फॉलो एवरी डे and that's all about my skincare routine। किसी दिन मैं आप सबसे मेरा नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन भी शेयर करूँगी। तो बहुत जल्दी मिलते हैं उस वीडियो के साथ भी, तब तक के लिए बाय बाय। माय बेबी हैज़ वोक अप, ही वाज स्लीपिंग, सो मैं उसी के पास जा रही हूँ। तो तब तक के लिए बाय बाय, एंड फिर मिलते हैं आप सबसे एक और ब्लॉग और वीडियो के साथ। सो बाय।